इन दोस्तों तुम्हारे चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आया हुआ है, तुम्हें पता नहीं है कि चैनल पर किस वीडियो में रीयूज्ड कंटेंट है। आज मैं तुम्हें सिर्फ चार बातें बता दूं और तुम्हारे चैनल से रीयूज्ड कंटेंट हट जाएगा। सिर्फ चार बातें बताऊंगा, इस वीडियो को लास्ट तक तुम्हें देखना है क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। चार बातों को बताने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा मुझे एक्सप्लेन, क्योंकि अभी तक तुमने इतनी वीडियो देख ली है कि तुम कन्फ्यूज हो गए हो कि किस वीडियो को डिलीट करूं और किस वीडियो को ना डिलीट करूं। दूसरे की वीडियो मैंने जो उठाई हुई है उस वीडियो से कंटेंट रीयूज्ड कैसे हो सकता है, जबकि मैंने उस वीडियो को तो एडिट कर रखा था। तुम्हारे मन में ये सारे सवाल आते हैं, आज की इस वीडियो में तुम्हें एक्सप्लेन करके प्रॉपर डिटेल में जानकारी दूंगा और यूट्यूब कैसे चेक करता है उसी तरीके से तुम्हें अपने माइंड को शार्प कर लेना है और अपने चैनल को चेक करके रिव्यू में भेजना है। रिव्यू में भेजोगे चैनल तुम्हारा 2 से 15 घंटे के अंदर चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लिखकर आएगा कि सर आपके चैनल को हमने मोनेटाइज कर दिया है, आपने टेक्निकल प्रभाकर की वीडियो को देखकर अपने चैनल को सही कर लिया, इसलिए हमने आपके चैनल को मोनेटाइज कर दिया है। ये बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी तक हमने अपने इसी चैनल से मोस्टली ना करते हुए 50 से 100 चैनल मोनेटाइज करवाए हैं। उनमें से बहुत से चैनल रीयूज्ड पर थे, जिससे कि बहुत से चैनल ऐसे थे जिनमें सिर्फ वॉइस थी, बहुत से चैनल ऐसे थे जिनमें सिर्फ फेस था, और बहुत से चैनल ऐसे थे जिनमें ना वॉइस थी ना फेस था, दूसरे का कंटेंट था, लेकिन उस पर भी कुछ तरीके से यूज किया गया, कुछ ट्रिक लगाया गया और उनका चैनल मोनेटाइज हो गया। आओ अब तुम्हें मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलूंगा अपने। ओके गो। तो यहां पर अब मैं यूट्यूब पर क्लिक करता हूं, लिखता हूं यूट्यूब, यहां पर मैं लिखूंगा यूट्यूब रीयूज्ड कंटेंट फिक्स, बस इतना ही लिखना है। इतना ही लिखने के बाद तुम्हें यहां पर चार पॉइंट दिख रहा है, व्हाट यू कैन डू टू सॉल्व दिस। ये चार बातें सिर्फ तुम्हारे लिए, ये चार बातें ही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन्हीं चार बातों को फॉलो करना है, यूट्यूब पर रीयूज्ड कंटेंट कभी भी नहीं आएगा। आओ तुम्हें बताता हूं। यहां पर लिखा ऐड कमेंट्री टू द वीडियो और शो योर प्रेजेंस इन योर वीडियो वॉइस और ऑन स्क्रीन। यहां पर पहला पॉइंट जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, इसने बताया हुआ है कि अगर तुम अपने चैनल पर वीडियो अपनी अपलोड करते हो तो उस वीडियो में तुम्हारी आवाज हो या फिर तुम्हारा फेस हो, दोनों में से एक चीज जरूरी है। अब यहां पर एक चीज और बताया है कि अगर तुम शो किसी का वीडियो पर अपलोड करते हो, अपने चैनल पर किसी का शो अपलोड करते हो, वहां पर भी तुम्हारी आवाज होनी चाहिए या फिर तुम्हारा फेस होना चाहिए। यहां पर आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर तुम किसी टीवी सीरियल या मूवी शो डालते हो तो टीवी सीरियल वाला तुम्हें स्ट्राइक दे सकता है, रीयूज्ड लेकिन नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना, अगर तुम्हारा फेस या वॉइस उस टीवी सीरियल शो के साथ में है। टीवी सीरियल शो के साथ तुम वॉइस ओवर कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे स्ट्राइक आ सकती है जब तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होगा, उसके बाद ही स्ट्राइक आती है और चैनल भी बंद हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। दूसरा, यहां पर लिखा हुआ है लिंक बैक टू योर यूट्यूब चैनल फ्रॉम योर वेबसाइट। अगर तुम्हारी कोई वेबसाइट है तो तुम अपने वेबसाइट का लिंक अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हो। अगर वेबसाइट नहीं है तो तुम अपने इंस्टाग्राम के, फेसबुक का, ट्विटर का, इन सभी का अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर अच्छे से लिख दो। आप मेरे डिस्क्रिप्शन को जाकर देखोगे, यहां पर आपको हर एक सोशल मीडिया का आपको प्लेटफॉर्म दिखेगा, वहां पर URL दिखेगा, उसके नीचे डिस्क्लेमर दिखेगा, डिस्क्लेमर आपको अपने चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देना है, ये ध्यान में तुम्हें रखना। पॉइंट दो क्लियर हुआ, अंडरस्टैंड हो गया तो लिख दो सर क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट बताओ जल्दी से। यहां पर लिखा है प्रोवाइड मोर कंटेक्स्ट अबाउट योर वर्क इन योर वीडियो एंड चैनल डिस्क्रिप्शन। दोस्तों जो मेरा सीक्रेट पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि YouTube कहता है कि अगर आप किसी की वीडियो उठाते भी हो, अपलोड कर भी देते हो, तब भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि YouTube ने बताया कि आपने किसी दूसरे का वीडियो अपलोड कर दिया है और YouTube कहता है आप अपलोड करो दूसरे की वीडियो, लेकिन ध्यान ये रखो कि कुछ तो इंपॉर्टेंट चीजें बताओ जिससे हमें लगे कि आपने मेहनत किया हुआ है, दूसरे का कॉपी ना लगे। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, कुछ अच्छी जानकारी अपने टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में लिखना है। अगर तुमने सब कुछ दूसरे का यूज कर रखा है तो अपने डिस्क्रिप्शन में यह लिखना है कि यह वीडियो ओरिजिनल क्रिएटर नहीं है, ओरिजिनल क्रिएटर का चैनल नीचे है, लिंक डाल दी है, उस क्रिएटर पर जाकर क्लिक करना, यह उस चैनल के वीडियो से लिया गया है और थोड़ा बहुत ही कंटेंट हमने चेंज करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पॉइंट तीसरा क्लियर हुआ होगा कि अगर
तुम दूसरे की वीडियो किसी का यूज करते हो तो थोड़ा सा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, टैग को, टाइटल को अच्छे से डिस्क्राइब करके लिख दो। ये काम कर दोगे ना, तुम्हारा चैनल एकदम एक्यूरेट एक बार में मोनेटाइज हो जाएगा। तुम्हें किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दोस्तों पॉइंट नंबर 4 जो कि यहां पर लिखा हुआ है, मेक श्योर द कंटेंट ऑन योर चैनल अलाइन विद यूट्यूब पॉलिसी। अब यूट्यूब की पॉलिसी क्या है? यूट्यूब की पॉलिसी ये है कि तुम्हारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए, पब्लिक वॉच टाइम होना चाहिए, तुम्हारे शॉर्ट वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, तुम्हारे स्टोरी वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, तुमने किसी वीडियो पर एड लगाया होगा उसका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, प्राइवेट और अनलिस्टेड वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पब्लिक की हुई वीडियो का वॉच टाइम काउंट होगा, वो भी अगर 30 सेकंड से ऊपर की वीडियो है तो, 30 सेकंड से ज्यादा की लोगों ने वीडियो देख रखी है तो उसका वॉच टाइम काउंट होगा, ये ध्यान में रखना। राइट, अब तुम्हें यहां पर बता रहा हूं यूट्यूब की पॉलिसी और क्या है। यूट्यूब को पॉलिसी ये है कि आपने किसी की गाली गलौज वाली वीडियो ना डाली हो, अब्यूज ना किया हो और किसी को कुछ मतलब हरासमेंट वाली, साइबर बुलिंग वाली वीडियो ना अपलोड की हो, ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो चैनल तुम्हारा मोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन अब यहां पर तुम्हें खुशखबरी के लिए बता दूं, तुमने अगर इन 4 कामों को अपने चैनल पर कर लिया, गारंटी से लिखवा लो कहीं पर अपने चैनल के लिए, मेरे से कहीं पर पेज पर साइन वाइन करवा लो और मैं लिख कर दे दूंगा कि तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होने से कोई भी अब नहीं रोक पाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको, चैनल आपका मोनेटाइज होगा एक दिन के अंदर, ये मेरी आपको गारंटी है। आई होप कि आपको इन 4 पॉइंट को समझ में आया होगा और चारों पॉइंट को समझने के बाद अब आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज देंगे और मोनेटाइजेशन में जब आप भेजेंगे तो आपके लिए खुशखबरी होगी, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। इन केस अगर कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो रही हो, यहां पर यानी कि इंस्टाग्राम पर मुझे करो फॉलो और मैसेज कर देना, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।